हेलो फ्रेंड, अगर आप अपना जीमेल आईडी या गूगल का पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड मार के वो ठीक कर सकते हैं या नया सेट कर सकते हैं। लेकिन आप ईमेल आईडी या पासवर्ड दोनों ही भूल गए तो आप क्या करेंगे? तो आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड अगर दोनों भूल जाए तो कैसे उसको याद करें या वापस ले आए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना फ्रेंड, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी स्टेप में स्टोरी डाला था, उसमें ये कहा था कि अगर आपको मोबाइल के बारे में कोई चीज नहीं जानते आप और वो इंटरनेट पर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दोनों भूल गए जीमेल का या गूगल का, तो उन्हें याद नहीं कर सकते या याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको भी कोई भी चीज या मोबाइल के बारे में आप नहीं जानते तो आप जरूर कमेंट कीजिए इस वीडियो में, उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत ही छोटा है। तो चले फिर मोबाइल में जाकर देखते कैसे आप जीमेल या गूगल का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दोनों भूल गए तो कैसे आप वापस ले आए। हेलो फ्रेंड, तो अपने मोबाइल स्क्रीन में आ गए हूँ। तो फ्रेंड अब इस वीडियो को लार्ज कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए तो आपको देखने में बहुत अच्छे होगा या आप ठीक से देख पाएंगे मोबाइल से। तो फ्रेंड देखिए, मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और मैं गूगल पे साइन इन हो गया, मतलब साइन इन कोई भी अकाउंट में साइन इन नहीं हूँ। तो आप ऊपर में साइन इन में टच करेंगे, टच करने के बाद आप यूज़ अनदर अकाउंट में टच करेंगे। तो फिर देखिए, सोच लीजिए ये आपका ईमेल आईडी नहीं है एंड आप ईमेल आईडी भूल गए हैं, तो आप जो फॉरगेट ईमेल लिखा हुआ है आप यहाँ पर टच करेंगे फॉरगेट ईमेल। टच करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल मांगेंगे, तो आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे जिस फ़ोन नंबर से आप ईमेल आईडी क्रिएट किया था। तो फिर देखिए, मैं अपना फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, आप अपना फ़ोन नंबर डालिए जिस नंबर से आप ईमेल आईडी क्रिएट किया था, वो ईमेल आईडी आपको याद नहीं आ रहा है। तो फिर देखिए, मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अपना नंबर यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर नेक्स्ट पर टच किया। टच करने के बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर मतलब नेम मांगेगा, आपका नाम क्या है, तो जरूर आपका नाम यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। तो मैं अपना नाम यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ, तो आप अपना नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट मारेंगे। तो देखिए फिर यहाँ पर एक मैंने गलत मार दिया, इसीलिए वहाँ पर शो नहीं किया था। तो अपना नाम इंटर करके आप यहाँ पर नेक्स्ट मारेंगे। तो फिर देखिए, आपका पास एक वेरिफिकेशन कोड जाएगी, आप सेंड पर टच करेंगे। टच करने के बाद आपके पास एक कोड नंबर आएगी, वो कोड आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो फिर देखिए, एक कोड नंबर आ गया और मैं इस कोड को इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर टच किया और अपना जो ईमेल आईडी है यहाँ पर शो कर रहा है। तो फिर इसी तरह आप भी अपना ईमेल आईडी अब याद कर सकते हैं। और अगर आपका इस ईमेल आईडी का पासवर्ड भी याद नहीं है तो ये तो सिंपल है, आप जानते हैं सभी। आप इस ईमेल आईडी को एंटर करके फॉरगेट मारेंगे, फॉरगेट पासवर्ड मारेंगे, तो जैसे मैंने ईमेल आईडी को वापस ले आया, सिर्फ इसी तरह इसी प्रोसेस में आपका पास ओटीपी जाएगा और अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड भी आप वहाँ से नया सेट कर पाएंगे। तो फिर वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो एक जरूर लाइक करके जाना। थैंक यू फिर वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।